अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप लोग? देख रहे हैं इब्राहिम शेख यूट्यूब चैनल और मैं आपका अपना इब्राहिम शेख। आज जो है सिंध की जो सूरत हाल आपके सामने ही है कि सुबह सिंध में और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो है सैलाब ज़दगान के हवाले से जो सूरत हाल है, हालिया जो बारिशें हो रही है, जो उससे तबाहकारियाँ हुई हैं, उसके हवाले से सिंध हुकूमत का एक बड़ा पैगाम आया है कि उन्होंने इमदाद की, लोगों से अपील की मुखय्यर अदरा से, और जो उन्होंने तखमीना लगाया कि तकरीबन कोई सिंध के अंदर जो है 1 करोड़, पूरे सूबे के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के करीब कम पेश लोग जो है वो इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए, और तकरीबन जो है 90% आप कह सकते हैं कि जो अराजी जरी ज़मीन थी वो तबाह हो चुकी है बिल्कुल, और 15 लाख से 20 लाख के करीब कम पेश बताया गया है कि भाई जो मकान थे, जो घर थे मिट्टी के या जो भी झोपड़े थे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुनहदिम हो चुके हैं। तो उसके लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने बड़ी अपील की है मुखय्यर अदराज से कि भाई उन्हें ये चीज़ें फराम की जाएँ, और मुख्तलिफ तंजीमें NGOs काम कर रही हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, आर्मी बशमूल इसके अंदर शामिल है और मुख्तलिफ रेंजर्स के इदारे हैं, और बाकायदा तौर पर आपको पता है एजुकेशन सिस्टम अभी फिलहाल मुअत्तल है सिंध के अंदर, जो है जो दही इलाके हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इस टाइम पर बड़ी बुरी हालत है, और ये हालात जो है ये हर साल आते हैं और हमारी हुकूमतों को इसे सीखना चाहिए इस पर, और इसके लिए पहले से जो है कुछ कारामत फैसले करने चाहिए ताकि इन मामलों को, इन चीज़ों को रोका जा सके और कंट्रोल किया जा सके। और अभी जो सूरत हाल है उसकी कुछ वीडियो की जरियाँ जो मुझे मुयसर हुई हैं, हो सकता है शायद आपने वो सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो मैं फ़िलहाल वो चीज़ें अटैच करना चाह रहा हूँ, और मैं हुक्काम बाला को से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और अपने यूट्यूबर फैमिली मेम्बर जितने भी हैं और जितने भी मुझे देखने वाले हैं उनसे से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जितना हो सकता है आपका आपसे कि वो जो जहाँ जहाँ आपको ये कैंप नज़र आए और ज़ाती तौर पर खुद जाके लोगों की हेल्प करें, और या तो उनके लिए दुआ करें या फिर जो ये तंजीमें काम करें उनकी हौसला अफजाई करें, उनको जाके वो इमदादी सामान दें, उनको राशन की ज़रूरत है, इस टाइम पे पानी की बड़ी किल्लत है वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे जो है सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, मुसलसल बारिश हो रही है, फिलहाल जो सिस्टम कराची में दाखिल हुआ था खलीजा बंगाल से वो यहाँ आया नहीं है, वहीं चली गया उस तरफ टंडोला यार मुख्त टंडोला आदम में, खैरपुर में, मुख्तलिफ सांगड़ में, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत शदीद बुरा हाल है। सिंध का अलग बुरा हाल है, बलूचिस्तान का अलग बुरा हाल है, KP के वगैरह की साइड पर अजीब सूरत हाल वहाँ पर 2-4 हैं, कुछ पानी इंडिया से की तरफ से भी छोड़ा गया, कुछ पानी बारिशों की वजह से भी मुसलसल पानी खड़ा हो गया, रोडें तबाह हो गई हैं, पुल तबाह हो गए हैं, तो यानी हो गई पूरे सिंध के अंदर ये हाल है कि दरिया सिंध पूरा बाहर आ गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक जो है तमाम जितने भी जो हैं जो इससे जो परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद और नुसरत फरमाए और गैबी मदद लेकर आए उनके लिए, चाहे वो पाकिस्तान से मदद हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर से लोग उनकी जो जहाँ जाए मेरी वीडियो जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंध हुकूमत का साथ दें ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के अपने ये इमदादी कामों में हिस्सा ले सके, या फिर अगर आप सिंध हुकूमत की हेल्प नहीं कर सकते तो फिर जो NGOs काम करें या फिर आर्मी के इदारे काम करें, मुख्तलिफ NGOs हैं उनके साथ आप ताउन करें ताकि हमारे जो भाई हैं सिंधी आरी हैं उनकी मदद और नुसरत हो सके, और बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो उनको भी अल्लाह पाक जो है गैबी इमदाद उनके लिए भी पहुँचाए, फिर पंजाब KPK के अंदर भी सूरत हाल अबतर है। तो तमाम लोग जो है मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे मजीद ये मैसेज को आगे तक पहुँचाएं ताकि जो हमारे बेचारे जो जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद और नुसरत फरमाए। चलिए आगे वीडियो को देखते हैं, कुछ वीडियो मैंने अटैच करी हैं तो ताकि आप लोगों को याद दिलाने के लिए, दिखाने के लिए कि अभी क्या सूरत हाल है सिंध के अंदर, तो वीडियो चल के देखते हैं आगे चलते।